कंपैरिजन बिटवीन सिंगल स्क्रू एंड ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर. तो सिंगल और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर का जो है वो हम एक थोड़ा सा ब्रीफ कंपैरिजन देख लेते हैं. सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर्स आर लिमिटेड टू 12-17% फैट लेवल इन द फॉर्मूला. तो ये हमने पिछले भी कुछ आप याद हो लेक्चर्स उसमें हमने पढ़ा था कि ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है सिंगल स्क्रू की. जिन प्रोडक्ट्स का फैट लेवल जो है वो 12-17% तक होता है उनको हम यूजुअली जो है वो सिंगल स्क्रू से ही प्रोसेस करते हैं. अल्टरनेटिवली द फैट लेवल्स इन द रेसिपी फॉर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स कैन बी एज हाई एज 18-22%. तो जब इससे हमने प्रोडक्ट का फैट लेवल जब इंक्रीज हम देखते हैं किसी और में प्रोडक्ट में 18-22% तक, तो उसके लिए हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर अडॉप्ट करते हैं. तो एक तो ये बहुत ज्यादा जो है वो कैटेगोरिक इनमें फर्क आ गया कि फैट लेवल जो है वो इसका जो है वो क्राइटेरिया भी है सिलेक्शन का अगर आपने कुछ एक्सट्रूजन जो है वो सिलेक्ट करनी है. नेक्स्ट इज इन द सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर्स वी हैव वेरी लेस कॉन्फिगरेशन ऑप्शंस. इसके अंदर जो है वो सिंगल स्क्रू के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हम यूनिट ऑपरेशंस कई दफा वो परफॉर्म नहीं कर सकते. एक इसके अंदर फैट की भी लिमिटेशन हमारे पास आ गई है और कई दफा जो है वो हम ये सिंगल स्क्रू जो है ये हम लोकली भी प्रिपेयर कर लेते हैं या हम जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत सिंप्लीफिकेशन जो है वो हम उसकी तरफ जाते हैं इसके अंदर सिंप्लिसिटी देखते हैं. लेकिन जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है ये थोड़ा से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी. इसके अंदर जो है वो कंप्यूटराइज्ड जो है वो सिस्टम होते हैं और हमने इसमें सेंसर्स इंस्टॉल किए होते हैं. तो ये काफी ज्यादा इसकी कॉन्फ़िगरेशंस काफी ज्यादा हैं, ये ज्यादा ऑटोमेटिक है आप इस ऐसे समझ लें. विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजेक्शन फैट लेवल ऑफ द रेसिपी कैन अचीव एज हाई एज 70%. तो ये जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर्स हैं इसके अंदर भी जो है वो जब हमारे पास 17% तक कोई फैट हमारे पास किसी प्रोडक्ट में हो तो हम स्टीम इंजेक्शन की मदद से जो है वो उसको प्रोसेसिंग कर देते हैं. अल्टरनेटिवली बेटर बाइंडिंग इन द ऑफ द फैट इन द प्रोडक्ट जो है वो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो हमें एडिशनल कोई बहुत ज्यादा हमें इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती. तो फैट लेवल जो जिन प्रोडक्ट्स का जो है वो अगर 18-22% जो है वो जा रहा है तो हम उसको ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से इजीली जो है वो प्रोसेस कर लेते हैं. देन इन द सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर देयर इज अ लिमिटेड रेंज ऑफ मॉइस्चर. तो मॉइस्चर जो है वो भी प्रोडक्ट का बहुत जो है वो लिमिटेड रेंज वाला हम इसमें जो है वो प्रोसेस करते हैं सिंगल स्क्रू में. अल्टरनेटिवली ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स हैव द एबिलिटी टू रन अंडर अ नैरो रेंज और वाइड रेंज ऑफ मॉइस्चर. तो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर जो है इसकी बहुत ज्यादा लंबी जो है वो इसके अंदर हमारे पास रेंज है मॉइस्चर की. कम भी हो तो वो भी हम इसमें ऑपरेट कर लेते हैं. ज्यादा रेंज का हमारे पास मॉइस्चर है तो वो उसको भी हम इसमें प्रोसेस कर लेते हैं. हमने इसमें कुछ डी गैसेस या कुछ इस तरह के एग्जॉस्ट भी होते हैं जिसके अंदर से जो है वो मॉइस्चर जो है वो स्टीम से या इस तरह जो है वो रिमूव भी हो सकता है. बाकी हम इसमें एडिशन भी कई दफा कर लेते हैं. Reduce the leakage of fat from the product during handling and packaging. तो इसमें ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स के अंदर जो है वो लीकेज जो फैट की होती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, कई दफा हम देखते हैं कि ऑयल लीक हो रहा है हमारे प्रोडक्ट में से या जिस तरह वो हैंडलिंग के इश्यूज भी आते हैं. तो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू सिंगल स्क्रू. तो कंपेरिजन में आपने सबसे पहले जो याद रखना है कि इसका जो फैट की जो क्राइटेरिया है उससे हम इसको कैटेगराइज करते हैं. सिंगल स्क्रू में क्या था 12-17% फैट जो है उसको वो उन प्रोडक्ट्स को हम सिंगल स्क्रू से प्रोसेस करते हैं और ट्विन स्क्रू में जो 18-22% जिनका फैट लेवल हो जिन प्रोडक्ट्स का उनको हम ट्विन स्क्रू की तरफ जो है वो ले जाते हैं. बाकी इसमें सेकेंड जो है वो लेस कॉन्फिग्रेशन, उसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्फिग्रेशन है, मोर स्क्रू कॉन्फिग्रेशन है. बाकी इसमें मॉइस्चर की भी लिमिटेशन है, उसमें जो है वो मॉइस्चर की लिमिटेशन भी नहीं है. Okay, the next is when to select the twin screw extruder. हम इसको अब कब सिलेक्ट करेंगे? तो हमारे पास कुछ जो है ये 6-7 जो है ये पैरामीटर्स हैं. इसको ये जब हमारे पास जो है हम जब इनको जज करते हैं हमारे मटेरियल में या हमारी प्रोसेसिंग में तो हम जो है या जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की तरफ मूव करता है. फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट चेंज ओवर्स, तो अगर जो है वो हमारी प्रोडक्ट की जो है वो रेंज डिफरेंट आ रही है, कभी जो है वो हमने किसी शेप का प्रोडक्ट आ रहा है, कभी किसी शेप का हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है और हम एक ही जगह जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी, तो फिर हम उसको ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर जो है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम उतनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से जो है वो प्रोसेस करते हैं.
प्रोडक्ट विद हाई इंटरनल फैट कंटेंट अबव 17%। इसके बारे में आपने पढ़ लिया कि जब ही किसी भी प्रोडक्ट का फैट कंटेंट 17% से बढ़ जाएगा तो फौरी तौर पे जो है वो एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को या एक मैन्युफैक्चरर को पता होना चाहिए कि वो अब ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से इसको प्रोसेस करेगा। एडिशन ऑफ हाई लेवल ऑफ फ्रेश मीट इन द प्रोडक्ट अप टू 35%। सो समटाइम्स जो है वो हमने कई दफा मैश्ड मीट होता है हमारे पास, या फिर वो छोटे छोटे जो है वो चंक्स होते हैं हमारे पास मीट के, वो हमने किसी प्रोडक्ट में जो है वो उसकी जो है वो एडिशन करनी है, या हमने उसको उससे जो है वो फोर्टिफाई करना है, तो हम उससे जो है वो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी अप टू 35% हम उसके अंदर जो है वो एडिशन कर सकते हैं फ्रेश मीट की। ये कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास जो हैं वो कुछ हमारे पास इस तरह की जो हैं वो बार्स होती हैं, या जिसके अंदर जो हैं वो मीट की एडिशन हुई होती है, तो लाइक जो हैं वो हमारे पास कुछ जो हैं वो चंक्स टाइप होते हैं हमारे पास, जिसमें जो हैं वो बॉल्स होती है मीट बॉल्स इस तरह की कोई। यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, तो जब बहुत स्पेसिफिक जो है वो किसी साइज की या शेप की प्रोडक्ट हमने बनानी है, तो वो ऑपरेटर जो है वो उसको ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से ऑपरेट करता है। इससे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आती है हमारी, और ज्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो एक खूबसूरत शेप मिलती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट को। अल्ट्रा स्मॉल प्रोडक्ट साइजेस, और अगर बहुत छोटे जो हैं वो प्रोडक्ट, जैसे वो हमने देखा कि जिस तरह वो टेक्सचराइज वेजिटेबल प्रोटीन है हमारे पास, या बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म है हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, बहुत लेस है उनका जो है वो जो उनका साइज है लेस देन 1.5 मिलीमीटर, तो फिर वो हम उसको ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से ऑपरेट करते हैं। प्रोडक्ट्स विद मेड विद लो डेंसिटी पाउडर्स, ये बताया मैंने आपको, एंड स्पेशल फॉर्मुलेशन। स्पेशल फॉर्मुलेशन में जो है वो कई दफा हमारे पास कुछ हमने फ्लेवर्स ऐड करने होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, कुछ जो है वो स्पाइसेस की एडिशन, या कुछ इस तरह की रेसिपी है, स्पेशल रेसिपी है जो हमने ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसमें ऐड करनी है, जिसमें मोस्टली जो है वो फ्लेवर्स होते हैं, या कुछ हमने जो है वो फोर्टिफिकेशंस करनी होती हैं, तो इसकी जो है वो हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखा कि बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल स्क्रू, तो हम उसको ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर जो है वो उसी से उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, ये 6-7 जो हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं, कब आप ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर को सिलेक्ट करते हैं जो है, जब आपकी प्रोडक्ट की जो है वो बहुत ज्यादा चेंज ओवर हो, या फिर आपका फैट कंटेंट 17% से बढ़ जाए, फ्रेश मीट की आपने एडिशन करनी हो लेकिन वो भी 35% तक, फिर बहुत यूनिफॉर्म साइज एंड शेप आपको चाहिए हो, या फिर बहुत स्मॉल साइज आपको चाहिए हो लेस देन 1.5 मिलीमीटर, बिल्कुल लो डेंसिटी पाउडर्ड फॉर्म में कोई प्रोडक्ट आपने बनानी है, या फिर स्पेशल फॉर्मुलेशन आपने प्रोड्यूस करनी है। ओके, दिस इज अनदर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर्स, तो उसके जो हैं वो कुछ टिपिकल प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं, तो ये भी जो है वो एक रेफरेंस से जो है वो लिया गया है, और इसने जो है वो बहुत जो है वो ब्रीफली जो है वो इसको टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रेशर, मॉइस्चर परसेंटेज, फैट परसेंटेज और कुकिंग परसेंटेज को जो है वो डिफरेंट को उसने कैटेगराइज डिफरेंट एक्सट्रूजन में किया है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो एक्सपेंडर्स की जो है वो 90 से 130 तक गई है, और उसके बाद सिंगल स्क्रू और ट्विन स्क्रू जो है वो 140 और 160 तक जा रहे हैं। फिर उसके मैक्सिमम प्रेशर जो है उसकी भी लेवल जो है वो बताए गए हैं, फिर उसके मॉइस्चर कॉन्टेंट्स हैं वो भी बताए गए, मैक्सिमम फैट परसेंटेज जो है वो भी उसकी बताई, कुकिंग जो है जितनी उसमें परफॉर्म होती है जितने परसेंट जो है वो भी उसके अंदर जो है वो इजिली जो है ये एक आपकी जो है वो क्लैरिटी के लिए जो है वो इसको यहाँ शो किया गया है। उसके बाद जो है वो टिपिकल प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड कॉस्ट्स, कि जब जो है वो कितनी उसकी जो है वो एफिशिएंसी कितनी है किस वो उन्हीं जो है वो एक्सट्रूडर्स को जिनको हमने पीछे जो है वो कंपेयर किया, तो उसमें आप ये देखें कि ये जो एक्सपेंडर्स हैं इनकी जो है ये 2 to 40 tons per hour है। इनकी क्यों है ज्यादा, क्योंकि इन्होंने जो है वो एक तो हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे पास इसके अंदर इसकी कैपेसिटी, क्योंकि वो प्रोडक्ट को एक्सपेंड भी कर देता है, तो जारी बात है कि वो अब हमारे पास उसकी जो है वो प्रोडक्ट की जो हमारे पास अमाउंट है वो भी ज्यादा आएगी। तो इसकी जो है वो ये क्या था एक्सपेंडर्स में क्या था कि वो जब उसको हीट करके उसके बाद वो उसको एक्सपेंड कर देता है, और बाकी जो है वो ट्विन स्क्रू की और सिंगल स्क्रू की जो है वो सिंगल स्क्रू की 1 to 22 tons per hour और ट्विन स्क्रू की 1 to 14 tons per hour, और उसके बाद इसकी एवरेज लाइफ जो है इनकी वेयर कॉम्पोनेंट जो है वो भी इनके बताए गए हैं, फिर उनकी फुल फैट कंप्लीट सोए के अंदर एक एग्जांपल दी गई है, तो ये भी एक कंपैरिजन जो है वो मुख्तलिफ एक्सट्रूडर्स के दरमियान जो है वो बताया गया है। सो दिस इज अनदर वीडियो
फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स इन द इंडस्ट्री। इसको अब हम देखते हैं। 30 far above my expectation. Show the customers what we can do with our product. My name is Paul Ebbinghaus. I'm the technical specialist in the Asian products and extrusion area. The machine behind me here is a twin screw extruder, and it's just a small scale or laboratory type of extruder. It produces a wide range of products, anywhere from breakfast cereals to pet foods, snack foods, snack chips, fish pellets, you name it. It's quite a versatile machine. For the twin screw extrusion, dry ingredients go in this feed hopper here. Liquids, typically we just use water. Water inlet is right here. And everything is run with the computer here. Our screws will turn anywhere from zero to about 500 to 700 RPM. And we can adjust the heat or temperature. We have 9 different heating bands here. And we can adjust the temperature from room temperature up to about 300 degrees Celsius. And at this end of the extruder, we'll just put in a coupler and we'll insert one of our dies. For length, what we do is have a cutting blade that fits on the end of the extruder, and it's a variable speed cutting blade. And to make a different product, to make like corn bowls, we'll have the knife running about, for example, 2500 RPM. And for like a cheesy type product, the long curls, we'll have the knife running about 200 RPM. So the difference between those two products is the speed of the cutting blade. Most of them, we're making about 50 kilograms per hour. We're just simulating a basic commercial process, and in a commercial machines are running like hundreds to thousands of kilograms per hour. And we just have a small scale coating machine here. And this drum is quite small. In a commercial plant, the drum will be about, just give you an example, about 10 feet long. Now, for coating, usually we'll spray it with oil or sugar slurry. And for the oil, it just acts like a binding agent or an adhesive. So when we add dry ingredients to the product, the oil, the dry ingredients will stick to the oil. So the liquids we'll just put in this container here, and they'll be pumped to two spray nozzles. And while it's spraying the product, this drum will be slowly turning. So the whole process, for example, about five gallons of product takes maybe 5 minutes. And for packaging, once we're done that, typically like for handouts or farm shows, as an example, we have a vertical packaging machine here, and we're able to make the packages anywhere from about 10 to 20 centimeters long. And we just have clear packaging that's sort of environmental friendly, corn-based packaging that breaks down over time. We do a lot of projects with our pulse crop area, so they can gather knowledge on how to make, for example, breakfast cereals out of chickpea flour, lentil flour, pea flour. Basically, it's just another tool that we can use to show our customers how our Canadian grains can be used. Another use is mainly promotion and market development. Especially lately with gluten-free products, I've done a few projects making gluten-free pasta. And yeah, so that's what we find is the machine is coming busier. Gee, thank you very much. This is all for the lecture.